गाइज आज मैं राखी का होममेड वीडियो लेके आई हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इनमें से कौन सा राखी सबसे अच्छा लग रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मार्केट में मिलने वाली महंगी राखियों के बदले आप घर में सस्ते में ढेर सारी राखी बना सकते हैं। महंगी महंगी राखी घर पे बना सकते हैं इजीली। मार्केट में कम से कम आपको 50 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा फ्रेंड। इस तरीके की राखी आप बहुत कम खर्चे में घर पे बना सकते हैं और इस राखी आप कुछ पैसे बचत कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आप राखी का त्यौहार मना सकते हैं घर में। तो आइए बनाते हैं राखी, दिखाते हैं कैसे बनेगा और क्या क्या चीज़ चाहिए बनाने के लिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो राखी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें कॉपी का गत्ती, जो 10-20 रुपये वाली बच्चों वाली कॉपी आती है उसी का ऊपर वाला गत्ती है। ये हर घर में आसानी से मिल जाएगा बिना पैसे का। सबके घर में कॉपियाँ होती है। और कुछ स्टोन लिया है मैंने, ये मेरे पास कुछ स्टोन बचे हुए थे। आपको मार्केट में इजीली 10-15 रुपये में आपके ज़रूरत भर के स्टोन मिल जाएंगे। आप जिस डिज़ाइन का जिस कलर का आप बनाना चाहें उस कलर का डिज़ाइन का छोटे बड़े ले सकते हैं। ये मेरे पास कुछ मिरर भी बचा हुआ था, मिरर वाला स्टोन है। तो आपको ज़रूरत हो तो लें, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और मैंने इसे काट लिया है। एक राखी बनाने में इस तरीके का 3 कागज़ का टुकड़ा लगेगा, जो गोल हिस्सों में काटेंगे 3 लगेगा, 2 बड़ा और 1 छोटा। तो इस हिसाब से आप जितनी राखियाँ बनानी हो आप काट लीजिएगा। और ये लिया है फैब्रिक ग्लू, जो इसे गम भी बोलते हैं, ये भी मार्केट में आपको इजीली आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास सभी चीज़ें पड़ी हुई थी। और मैंने लिया है 3 कलर का थ्रेड धागा, ये रेशम वाला धागा है। इसके जगह पे आप घर में बचे हुए ऊन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो 3-ply 2-ply ऊन आता है। तो आप वो अगर घर में आपके पास ऊन हो तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास धागा था, मैं कुछ महीने पहले चूड़ी बनाने के लिए लेकर आई थी तो मेरे पास बचा हुआ था। तीनों धागों को मैंने पकड़ लिया है एक बराबर और पैर के अंगूठे में फंसा के 1.25 फीट लंबा मैं बना रही हूँ, और डबल किया जाए तो 2.5 फीट होगा। तो आप जितना बड़ा राखी का धागा रखना चाहते हैं उस हिसाब से धागे को लपेट लीजिएगा। मोटाई भी अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितनी मोटी राखी का धागा रखना हो इस हिसाब से आप राखी का धागा ले सकते हैं। आप अकेले भी बना सकते हैं, इस तरह से पैर के अंगूठे में फंसा के आप इसे लपेट के और जितनी मोटाई जितनी लंबाई आपको चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके जगह पे कलरफुल ऊन का प्रयोग कर सकते हैं या रक्षा सूत्र जो आता है कथा वगैरह पूजा में, उससे भी आप राखी बना सकते हैं। अगर घर में रंग बिरंगा लाल पीला नीला हरा सफ़ेद जिस कलर का भी ऊन पड़ा हो तो आप उसका भी बना सकते हैं, उसका तो और अच्छा होता है, एकदम कलरफुल बनता है। तो मैंने लपेट लिया है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोटाई रख लिया है। अब इसे काट लेते हैं बीच से, और काटने के बाद फ्रेंड इसमें हम एक नॉट लगाएंगे ताकि जो धागा है हमारा उलझे ना, क्योंकि धागा बहुत बारीक है पतला है तो उलझ के ख़राब हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसे बीच से मैंने कट कर लिया है और दोनों धागों में इसे हम नॉट लगा लेंगे। और इधर भी जब उधर नॉट लगा लेंगे तो इधर भी कट कर लेना है, बराबर करके काट के इधर भी नॉट लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए इधर जो दोनों सिरे जो धागे के खुले हैं उसमें हम सबसे पहले नॉट लगा लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही महंगी वाली राखी बनके तैयार हो जाती है। मार्केट में बहुत महंगी महंगी राखियाँ आ रही हैं फ्रेंड। तो आप अपने बजट के हिसाब से राखी खरीदते हैं तो उसी बजट में कम खर्चे में ढेर सारी राखी आप घर पे तैयार कर सकते हैं। आपकी राखी देखकर कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि इसे आपने घर पे तैयार किया है, और वो भी बहुत कम खर्चे में। तो चलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा पूरा देखिएगा फ्रेंड, तभी आपकी राखी अच्छी बन पाएगी, मेरे जैसी मेरे से भी अच्छी कहीं आप बना लेंगे अगर आप देख लेंगे तो इस तरीके से। तो दोनों किनारे मैंने नॉट लगा लिया है और बीच से बराबर करते हुए उसे हम कट कर लेंगे कि ताकि छोटा बड़ा कोई धागा ना हो, उसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद से एक को हम करेंगे साइड, आप
दूसरे को पैर के अंगूठे से दबाते हुए नॉट के तरफ से जिधर से नॉट लगाए हैं उधर से इस तरीके से उसे लपेट लेना है, या इसे आसानी से दोनों उंगलियों से ऐसे लपेट लपेट कर उसे एक गांठ जैसा बना लेना है। अब उसको क्या बताऊं क्या कहूं आपको, मुझे समझ नहीं आता है, आप दिखा देंगे लास्ट में तो देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ऐसे लपेटेंगे तो राखी बन के तैयार होगा। जो मार्केट में राखी मिलती है उससे भी अच्छा धागा बन के तैयार हो गया है फ्रेंड। तो इसी तरीके से आप धागे तैयार कर लीजिएगा। और राखी का बेस तैयार करने के लिए आप कोई स्केल ले लें या कॉपी का गत्ती ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं जो 1.5-2 इंच चौड़ा हो, उसमें भी ऐसे लपेट लेना है। और लपेटने के बाद से इसे बीच से कट कर लेंगे। इसमें सबसे बीच में एक नॉट लगाएंगे, गांठ लगाएंगे ताकि हमारा जो धागा है खुले ना, बिखरे ना। और उसके बाद से इसमें 2 जगह नॉट और लगाना है 2 हिस्सों में। तो बीच से लगा लिया है, बराबर बराबर मैंने कर लिया, देख सकते हैं। और उसके बाद हम बीच में भी नॉट लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, एक इधर और एक इधर, तो 3 नॉट हो गया। और बीच वाले नॉट के पास से इसे कट कर लेना है, बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा हमें नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरीके से काट लेंगे। तो चलिए अपनी राखी बनाते हैं। इसी तरीके से आप बेस बना के राखी का ढेर सारा बेस तैयार कर सकते हैं, जितनी राखियाँ हो उतनी। और जो कागज़ का जो गत्ती का टुकड़ा काट के रखा था उस पर फेविकोल लगा लें, गम लगा लें। लगाने के बाद जो राखी का धागे का बेस तैयार किया था उस पर रख के इस तरीके से फैला लेना है, एक बराबर, मोटा पतला नहीं होना चाहिए। और कागज़ भी नीचे से नहीं दिखना चाहिए, चिपका लेना है। और ऊपर से भी छोटा वाला टुकड़ा लगा के उसका बेस, जो ऊपर से राखी का जो बेस है धागा है उस पर से भी चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से। हाथों से दबाते हुए एक बराबर धागे को फैला लेना है, मोटा पतला नहीं होना चाहिए। इससे धागा जो है बराबर इक्वल चिपक जाएगा। और दोनों किनारों से चारों तरफ से जो अधिक धागा निकला हुआ है उसे काट के एक अच्छा सा शेप देंगे, गोल राउंड का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। फिनिशिंग आ जाएगी हमारी राखी में। तो चलिए इसे फिनिशिंग दे दिया है, इस पर कुछ स्टोन चिपकाते हैं। तो जो छोटा वाला टुकड़ा ऊपर लगाया था उस पर फेविकोल लगा लें, गम लगा लें। और बीच में स्टोन चिपका के कोई भी शेप, कोई भी डिजाइन आप इसे दे सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं कैसे इसे स्टोन लगा रही हूँ। तो आप इसी तरीके से स्टोन को चिपका सकते हैं। माचिस का तिल्ली लिया है। तो हमारी राखी बन गई है आधी अधूरी। अब इसमें धागा लगाना बाकी है फ्रेंड। तो देख सकते हैं ना, मार्केट से भी अच्छा हमारी राखी बन के हो गई है रेडी। और पीछे से भी हम थोड़ा सा गम लगा लेंगे, फेविक्विक लगा लेंगे और धागे को चिपका के, और एक गत्ती का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा जो गोल पीस काट के रखा था छोटा वाला या थोड़ा उससे बड़ा भी लगा सकते हैं, लगा के गम लगा के इसे चिपका लेना है। और हाथों से दबाते हुए इसे चिपका के और सूखने के लिए रख दें, 2-3 मिनट में ये सूख जाता है। तो लीजिए हमारा महंगा वाला राखी बन के हो गया है रेडी। तो इसी तरीके से ढेर सारी राखियाँ बना के इस रक्षाबंधन तैयार कर सकते हैं। आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा, इजली ढेर सारी राखियाँ घर पे सस्ते में बना सकते हैं। तो फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा राखी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, और मेरा ये होममेड राखी आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो गाइज, ऐसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।